नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोरवानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लास्ट श्वसन तर्क पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन सिस्टम, वही कंप्लीट करना है आज। अच्छा, हमने श्वसन तंत्र के अंग वाला पार्ट कर लिया था, आज श्वसन तंत्र की जो उसकी पूरी पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके भाग या पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पहले रिविज़न कर लेते हैं। हाँ, हमने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था वो याद कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इंपॉर्टेंट करवा के गई थी, क्यों आएंगे ही आएंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था सबसे पहले जो स्टार्ट होता है नासा गुआ, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी का भी कौन सा द्वार, तो कंठ द्वार। अच्छा, कंठ द्वार के ऊपर एक स्ट्रक्चर थी, उसको क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं तो वो द्वार बंद हो जाता है, कंठ को बंद कर देता है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन करने का काम कौन सा यंत्र करता है या कौन सा भाग करता है, तो स्वर यंत्र या लैरिक्स या कंठ जिसको कहते हैं, है ना, इसको ही एडमस एप्पल, साउंड स्पीकर, वोकल बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी श्वास नली, कितने सेंटीमीटर था, लगभग 12 सेंटीमीटर। कैसे छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये बता चुकी थी। फिर श्वास नली दो में बटी थी, श्वसनी प्रत्येक प्रत्येक फेफड़े में, इधर भी और इधर भी, दायां और बायां। अच्छा, दायां फेफड़ा बड़ा था कि बायां फेफड़ा, और वेट कितना था इसका, 23 औंस था दाएं फेफड़े का और बाएं फेफड़े का 19 औंस। एक औंस में कितने ग्राम होता है, तो 28.35 ग्राम, ये भी मैंने लिखवाया था। हाँ, दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ थी, कितने लॉब्स थे, 3 पालियाँ थी, जबकि बाएं फेफड़े में 2 पालियों में ही बटा होता है। यहाँ तक हमने बात की थी। फिर श्वसनी, श्वसनिकाओं में बटी होती है और श्वसनिका आगे जाके वायुकूपिकाओं के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जो वायु के आवागमन में सहायक होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट करके लिखवाई थी मैंने, सिलियरी एपिथीलियम किस में पाई जाती है, वायुकूपिकाओं में पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है, उसमें शल्की उपकला पाई जाती है। जबकि नासिका से लेकर अगर मैं श्वसनिकाओं तक की बात करूँ, पूरा का पूरा पक्षमाभी उपकला या सिलेरी एपिथेलियम ही पाई जाती है, जो क्या करती है, कोई भी धूलकण या कोई भी आ गया तो उसको वापस ऊपर भेजने का, ग्रसनी की तरफ भेजने का काम करती है। यहाँ तक बात कर ली थी, आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो पल्मोनोलॉजी, लिखवा के गई थी, याद है ना। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस हमने बताया था, ये नासा गुहा से अंदर गया, नासा गुहा से हमने एयर ली, वो अंदर गई, उसके बाद फिर नासा गुहा के बाद ग्रसनी से होती हुई ये कंठ है, बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर, उसके बाद श्वास नली में, श्वास नली के बाद ये दो श्वसनी ये बटे हुए हैं, उसके बाद ये सारी की सारी श्वसनिका हैं, और फिर ये जो है ये क्या है, सारी की सारी वायुकूपिका हैं, करोड़ों में इनकी संख्या होती है, बता चुकी हूँ। और ये डायफ्राम है, डायफ्राम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात कर ली थी हमने, अब इसका सिक्वेंस लिखा देती हूँ एक बार। श्वसन, तंत्र का क्रम, मतलब सीक्वेंस, भागों का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नेजल कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, नासा गुहा, क्या कहते हैं, नासा गुहा। नेजल कैविटी, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने बात की थी क्या, ग्रसनी, ग्रसनी का भी कौन सा द्वार, कंठ द्वार, उसे किस में जाएगा, कंठ में, कंठ द्वार को एपिग्लोटिस कहते हैं, बता चुकी थी, कंठ में, इस कंठ के बाद कहाँ पे, ये देखो, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम कंठ करता है, कंठ आगे जाके किस में खुलता है, तो श्वास नली में, फिर श्वास नली आगे जाकर श्वसनी, और फिर श्वसनी काएं। अच्छा, श्वसनी भी 3 में बटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो पहले प्राथमिक में, फिर द्वितीयक में, और फिर तृतीयक में, इतना आपका नहीं पूछता श्वसनी काएं। उसके बाद में बात करूं तो श्वसनिका वायु कुपिका आगे छोटा छोटा बार बनाती है, बात की थी कितना व्यास था इसका, 0.2 mm, देन
ये पूरा का पूरा। अच्छा, नासा गुहा से पहले भी ये नासा छिद्र है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। उसके बाद नासा गुहा या नासा मार्ग, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये क्रम पूछ लेता है, तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेता है श्वसन तंत्र का क्रम, जैसे हमने पाचन तंत्र के चरण का क्रम पढ़ा था सीक्वेंस, वैसे इसका भी सीक्वेंस आता है, उल्टा सीधा करके दे देगा, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे श्वसन तंत्र के अंग की बात, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम श्वसन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया के भाग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, श्वसन श्वसन प्रक्रिया के भाग। श्वसन प्रक्रिया के भाग कितने हैं? रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कितने हैं? थ्री पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन जिसको श्वासोच्छ्वास, इट मीन्स ब्रीथिंग भी कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, श्वास लेते हैं श्वासोच्छ्वास, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सेकेंड पार्ट जो है वो है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट, गैसों का परिवहन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। डन, चीज समझ में आ गई। थर्ड बात करेंगे हम आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनल या सेल्यूलर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चीज समझ में आ गई यहां तक? आगे बात करते हैं, ये चीज देखना इधर तक, श्वसन ये तीनों हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं होता क्या है, तो श्वसन प्रक्रिया की पूरी जो प्रोसेस है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? बाह्य श्वसन जिसको श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीथिंग, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, एक्सटर्नल और या फिर ब्रीथिंग कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग, हाँ, गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। डन, ये बात समझ में आ गई। हाँ, बाह्य श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है? बाह्य श्वसन इट मीन्स ब्रीथिंग, श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ने को ही बाह्य श्वसन या ब्रीथिंग कहते हैं, ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें हम अंतः श्वसन और उच्छ्वसन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैसों के परिवहन में, कि हम बात कर रहे हैं कि O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, है ना, तो उन गैसों का परिवहन कैसे होता है, अंदर कैसे जाता है, बाहर किस रूप में निकलता है, वो सारा हम इसके रूप में पढ़ेंगे, कि अंदर कौन लेके जाता है, कौन करता है काम, सारा का सारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो वो गैसों के परिवहन में पढ़ेंगे, O2 और CO2 का। सेकेंड थर्ड बात करते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, इसको कोशिकीय श्वसन कहा क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर
पाया जाने वाला श्वसन, चीज समझ में आई? सेल के अंदर पाया जाने वाला जो रेस्पिरेशन है, मतलब अंदर हो रहा है इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं, और कोशिका के अंदर है तो कोशिका के अंदर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन या आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। अच्छा, मैंने कल बताया था एरोबिक एनारोबिक, ऑक्सी अनऑक्सी, वायवीय अवायवीय, वो इसमें पढ़ेंगे दोनों पार्ट्स। डन, तो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा बाह्य श्वसन या श्वासोच्छ्वास, जो दो में बटेगा, अंतः श्वसन और निःश्वसन। तो पहले मैं इसमें बांट देती हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमको क्या चीज पढ़नी है, ये समझ में तो आ गया ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सारा मिक्स कर दो। हाँ, इधर देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अंतः श्वसन या निःश्वसन, और सेकेंड पार्ट इसका है उच्छ्वसन। डन, इनहेलेशन, ओके। फिर हम बात करेंगे गैसों के परिवहन में, जिसके भी टू पार्ट्स हैं, O2 का परिवहन एंड CO2 का परिवहन। जी, समझ में आ गई? फिर थर्ड हम बात करेंगे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन की, इसके भी दो होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सी श्वसन, जिसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं, मतलब एरोबिक, और अनऑक्सी अवायवीय श्वसन, जिसको इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। डन, ये चीज समझ में आ गई? तो ये बात हुई हमारी आउटलाइंस की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन प्रक्रिया के भाग कितने हैं, तीन, कौन कौन से? बाह्य श्वसन मतलब ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास, जिसमें अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, श्वास अंदर लेना मतलब अंतः श्वसन, उच्छ्वसन श्वास बाहर छोड़ना, जो भी पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड गैसों का परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन पढ़ेंगे कि O2 कैसे जा रही है, आ रही है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, हमारे अंदर। फिर बात करेंगे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसमें हम ऑक्सी और अनऑक्सी पढ़ेंगे। डन, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो उसको अनऑक्सी या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। डन, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम बात फर्स्ट बाह्य श्वसन या ब्रीथिंग की, कि हम ब्रीथ करते कैसे हैं। यह है आपकी बात, एंड दिस इज, इट मीन्स, हिंदी में बोलूं तो अंतः श्वसन या निःश्वसन एंड ये उच्छ्वसन। डन, समझ में आ गया क्या है? हाँ, अब देखना इसमें होता क्या है, जब ये खुद करके देखोगे, जैसे मैं अभी बता रही हूं ना, वैसे आप घर पे इसको चीज को करके देखो ना, आपको समझ में आएगा। श्वास लेके और छोड़ के देखना, पता चलेगा। इधर देखो, जब हम श्वास लेते हैं, ये देखो, इसने अंदर श्वास ली, ये आपकी श्वास नली है, दिख रही है ना? हाँ, फिर ये हमारे फेफड़े, और फेफड़े पसलियों के पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, ये बता चुकी हूँ मैं, है ना? हाँ, और जस्ट हमारे लंग्स के बीच में जो फुफ्फुसा आवरण, मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन बताई थी, उस दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। वो हार्ट कहाँ होता है? तो मीडिया स्टर्नम वाले पार्ट में होता है। किसमें? मीडिया स्टर्नम। आगे बताऊंगी जब मैं रुधिर परिसंचरण तंत्र प्लस सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें हार्ट, उसमें बताऊंगी। हाँ, तो ये देखो, ये हमारा फेफड़े,
जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, या मैं बोलूँ वृक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको प्लूरल गुहा भी कहते हैं, क्योंकि मैंने प्लूरल मेम्ब्रेन बताई थी कल, तो उसको प्लूरल गुहा भी कहते हैं। ये देखो, ये बढ़िया, ये चौड़ा हो गया, ये देखो। लंग्स आर पुल डाउन एंड एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब उनका आकार बढ़ जाता है, फूल जाते हैं, क्योंकि हम जब अंदर लेते हैं तो हमारे पूरे वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये आपको भी पता है, छाती चौड़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, है ना। और उस टाइम दूसरी चीज़ क्या होती है, तो ये जो हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम, उसमें भी दिखाया था मैंने नीचे डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या होता है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो इससे ऊपर हो जाता है। आप जब खुद करके फील करोगे तो आपको फील होगा कि आपका डायफ्राम, आपको पता नहीं क्या है, यहाँ है डायफ्राम, ऊपर हो जाता है थोड़ा, ऐसा चपटा और सीधा हो जाता है, ऐसा डायरेक्ट ऐसा हो जाता है। और जो नीचे जो मसल्स होती, हमारी जो पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो होती है फेनिक्स, फेनिक्स पेशियाँ। तो क्या होती है, वो फेनिक्स पेशियाँ सिकुड़ती हैं, क्या होती है, सिकुड़ती मतलब संकुचित होती हैं, क्योंकि खींच रहे हैं ना उसको, इसीलिए। और जब वापस फिर हम जब श्वास छोड़ते हैं, तब वो सारी की सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। चीज़ समझ में आई? तो सबसे पहले जब हम श्वास अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लो, सबके सब लो, छाती चौड़ी होती है, मतलब वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है, फेफड़े फूल जाते हैं, है ना। और क्या होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है, और हमारी पेशियाँ सिकुड़तियाँ संकुचित होती हैं, ठीक है। ये अभी मैं अंतर श्वसन की बात करती हूँ, इनहेलेशन की बात कर रही हूँ। हाँ, अगर एक चीज पूछती हूँ मैं आपसे, वायुदाब, इसका फ्लो हाई टू लो होता है या लो टू हाई होता है, उच्च से निम्न या निम्न से उच्च दाब पर होता है, तो कैसा होता है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई टू लो। ये चीज ध्यान रखना, अभी बहुत काम आएगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, जो टीजीटी ना बड़ा पेपर है, सेंट्रल एग्जाम है टीचर के लिए, उसका क्वेश्चन आया हुआ है ये, अभी मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आया था, यही फेफड़ों के दाब का ही आया था। हाँ, तो जब हम अंतर श्वसन की बात करते हैं, तो श्वास हम अंदर ले रहे हैं, श्वास हम अंदर ले रहे हैं, तो फेफड़ों के अंदर दाब ज़्यादा है कि बाहर एटमोसफेयर या वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है? ऑफकोर्स उच्च से निम्न की तरफ, हाई टू लो होगा तो बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम है, तभी तो अंदर ले रहे हैं, नीड कब है? अच्छा, अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप सामने वाले को दे सकते हो उधार, आपके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दे दोगे उसको उधार? हमारे लाले पड़े पीछे कहाँ उसको देंगे, नहीं दे सकते। जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा में, तभी सामने वाले को दे सकते हैं, हाँ भाई तू ले जा, तू भी खा ले, तू भी कर ले। जब हमारे पास ही नहीं है तो सामने वाले को कैसे देंगे, नहीं ना। तो हाई टू लो होता है, तो हमारे अंदर निम्न दाब है तभी तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब, अंतः श्वसन की बात कर रही हूँ मैं, तो अंतः श्वसन के समय फेफड़ों में निम्न दाब होता है, प्रेशर कम होता है, तभी हम बाहर की वायु, एयर अंदर लेते हैं। चीज़ समझ में आ गई? अंतः श्वसन मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय एटमोसफेयर की जो एयर है वो हम फेफड़ों के अंदर लेते हैं, मतलब श्वास अंदर लेते हैं, O2 अंदर लेते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ उच्च वसन की, मतलब श्वास बाहर छोड़ना, या CO2 बाहर छोड़ते हैं हम, है ना, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स हमारा उल्टा करते हैं, हाँ CO2 छोड़ते हैं, तो वो जो उच्च वसन की क्रिया है, जो सारी की सारी, उसमें हम जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो श्वास बाहर छोड़ते तो इधर देखना, ये वापस इसने इससे ली और ये श्वास नली के थ्रू बाहर चली गई। तो ये फेफड़े, ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, ये इसका शेप देखना और इसका शेप देखना, दिख रहा है इतना कम हो गया, क्योंकि जब हम वापस छोड़ते हैं, पहले तो लो, तो छाती फूल गई, है ना, चौड़ी हो गई, फेफड़े फूल गए, अब छोड़ो, तो वापस क्या होती है, जो हमने श्वास ली थी वो पूरी की पूरी छोड़ दी, तो हमारे जो लंग्स है वो वापस अपने शेप में आ गए, ये लिखा हुआ है, लंग्स रिटर्न टू नॉर्मल शेप, तो वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, मतलब आकार या आयतन कम हो जाता है, जो उसका आयतन, जो वॉल्यूम जो बड़ा था, जो फूले थे, वो वापस अपने शेप में आ गए, दिख रहा है ना, ये इतना चौड़ा और ये इतना सा, तो जब हम श्वास वापस बाहर छोड़ते तो अपने शेप में आ जाते हैं, मतलब पहले तो भर ली थी गुब्बारे जैसे, फूल गई, वापस जब गुब्बारा वापस बाहर निकला, हवा निकली, तो गुब्बारा पिचक गया। चीज समझ में आ गई? वैसे ही है। हाँ, अब इसका डायफ्राम की चीज़ देखना, ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, तो ये डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम फैल गया,
पहले डायफ्राम ऐसे हो गया था, ये अब डायफ्राम फैल गया। पहले डायफ्राम पूरा ऐसे सीधा चपटा हो गया था, पूरा मतलब टाइट हो गया। अब वापस जब वापस हमने छोड़ दी एयर तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ऐसे वापस अपने शेप में आ गया। इसको बोलते हैं गुमदाकार शेप। क्या? गुमदाकार आकार। ठीक है, वापस अपने नॉर्मल शेप में आ गया, मतलब पूरा का पूरा रिलैक्स हो गया। तो वो जो फेनिक्स पेशियाँ थी, अंतरापशु पेशियाँ जिनको हिंदी में कहा जाता है, वो भी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती हैं। अंतःश्वसन के टाइम पे तो संकुचित हुई थी, खिंची थी, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो वो नीचे से खिंचती है मसल्स। इसमें सारी की सारी रिलैक्स हो गई जब हमने वापस वायु बाहर छोड़ी। हाँ, और एक और चीज़, जब हम अंतःश्वसन में जब वायु ले रहे थे तब हमारे अंदर निम्न दाब था, तब हाई टू लो लिया हमने। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, हमारे फेफड़ों के अंदर जो भरी एयर है उसको लंग्स से बाहर निकालेंगे, बाहर छोड़ेंगे, है ना। तो अब हमारे अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इस टाइम हमारे लंग्स का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, क्यों? इतनी भर गई तो प्रेशर भर गया, तो फेफड़ों में अभी अधिक दाब होगा, जबकि इस टाइम पे लो प्रेशर होगा और इस टाइम पे हाई प्रेशर होगा। चार बातें की वो सारी की सारी लिखवाती हूँ, लेकिन एक बार वापस सारा समझा रही हूँ, वापस समझ लेना अच्छे से। हमने फर्स्ट बात की इन्हेलेशन में, क्या सबसे पहले प्रोसेस होती क्या है? तो एटमोसफेयर, वायुमंडल की वायु हम क्या कर रहे हैं? फेफड़ों के अंदर भर रहे हैं। यही चीज़ इसने की, वायुमंडल की बाहर की एयर को अपने अंदर भरा। तो क्या हुआ? फेफड़े चौड़े हो गए, फूल गए, है ना। तो जब फेफड़े फूल गए तो डायफ्राम कैसा हो गया? सीधा और चपटा ऐसे आ गया। और नीचे की जो पेशियाँ थी वो क्या होंगी? संकुचित होंगी, खिंचेंगी, खिंचेंगी, ऑफकोर्स खिंचेंगी, है ना। ये सिचुएशंस हुई थी। और लंग्स में प्रेशर क्या था? हाई टू लो, बाहर ज़्यादा तो फेफड़ों में कम, तभी तो वो हमको दे रहा है। ये हमारे अंदर कमी है तभी तो हम उससे ले रहे हैं। तो उस टाइम हमारे फेफड़ों में निम्न दाब था, लेकिन जब मैं बात करूँ इसकी, जब हम छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों में ज़्यादा दाब है तभी बाहर छोड़ रहे हैं, तो हमारे फेफड़ों में उस टाइम हाई प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन TGT का पूछा गया था, ठीक है। तो उस टाइम हमारा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है प्रेशर वाले में, इसमें लो प्रेशर होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है। ये ध्यान रखना, पैसे वाली चीज़ समझ में आ गई ना। जहाँ पैसा उसके पास ज़्यादा है तो हमको दे रहा है, वहाँ हमारे अंदर अभी वायु कम है तो हम उसको हाई से लो में ले रहे हैं, इस टाइम अंदर ले रहे हैं। इस टाइम हमारे पास खूब भर के पैसा भरा पड़ा है तो हम बाहर दान दे रहे हैं। तो हमारे पास पैसा मतलब समझ लो दाब, तो हमारे पास अभी पैसा भरा पड़ा है, उच्च दाब है, तो हम बाहर उसको दान दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम तो हम खुद ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अंदर कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए हमने बाहर से लिया था। चीज़ समझ में आ गई? तो इस टाइम निम्न दाब था, इस टाइम उच्च दाब था। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वापस हमारे लंग्स अपने शेप में आ जाते हैं, वापस सिकुड़ जाते हैं। गुब्बारे वाला समझ में आ गया? गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो फूल जाता है, वापस निकलती है तो सिकुड़ जाता है। वैसे ही हमारे इसकी प्रोसेस है। और डायफ्राम की स्थिति इसमें क्या होती है? वापस रिलैक्स होता है तो गुमदाकार हो जाता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा गुमदाकार, इसमें तो टाइट खड़ा हो गया, इसमें गुमदाकार हो गया। और जो नीचे की मसल्स थी, अब वो पहले तो संकुचित हुई थी, खिंची थी, अब पूरी की पूरी रिलैक्स हो गई जब हमने एयर बाहर छोड़ी। चीज़ समझ में आ गई? अब मैं इनके डिफरेंस लिख रही हूँ आगे, एक एक जो जो अभी सारे बताए वो सारे के सारे लिख रही हूँ। ये दिख रहा होगा, ये इतना चौड़ा और ये वापस अपने शेप में आ गया, मतलब प्लूरल गुहा का आयतन कम हो गया। हाँ, तो बात करते हैं फर्स्ट बाह्य श्वसन या श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल या श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। ठीक है, इसके हमने दो बात किए थे, कौन कौन से? अभी बात की थी अंतःश्वसन या निःश्वसन, इन्हेलेशन एंड उच्च वसन, जिसको क्या कहते हैं?
उच्च वसन। ओके फर्स्ट हमने क्या बात की थी, फर्स्ट प्रोसेस तो आपको पता है, ये श्वास अंदर लेना और ये श्वास बाहर छोड़ना, मतलब O2 लेना और CO2 छोड़ना। वायुमंडलीय जो वायु है, बाहर की वायु को, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है, उसको फेफड़ों के अंदर भरा जाता है। फेफड़ों के अंदर लेने की प्रोसेस ही अंतः श्वसन कहलाती है, जबकि फेफड़ों में भरी हुई जो वायु है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, उच्च वसन कहलाती है। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना। सी समझ में आ गई ना, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, श्वास ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, श्वास अंदर लेना मतलब O2 अंदर ले रहे हैं एंड श्वास बाहर छोड़ना ही उच्च वसन कहलाता है, छोड़ना या निकालना। डन। उसके बाद सेकेंड हमने बात की थी फेफड़ों की, है ना, फेफड़ों में प्रेशर कैसा था। तो अंतः श्वसन में फेफड़ों में प्रेशर निम्न दाब था, तभी हाई टू लो ले रहे थे हम, बाहर से एयर ले रहे हैं मतलब हमारे अंदर प्रेशर कम है तभी हम बाहर से ले रहे हैं, तो हाई टू लो। तो उस टाइम हमारे अंदर लंग्स की बात करें तो लंग्स में निम्न दाब था, लंग्स में थी। लेकिन इसकी बात करें तो जब हम श्वास अंदर से बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर हाई है और बाहर लो, तो हाई टू लो, तो हमारे अंदर फेफड़ों में हाई रहेगा। पैसे वाला एग्जाम्पल दिया था, याद रख लिया ना वो। तो इस टाइम फेफड़ों में निम्न दाब होता है या रहता है, निम्न दाब होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, TGT का क्वेश्चन पूछा गया इसका। उसके बाद अगर बात करूं, ये निम्न है, लो, लो प्रेशर, डन। उसके बाद तीसरी हमने बात की थी प्लूरल गुहा वृक्ष गुहा का आयतन, छाती चौड़ी हो जाती है, प्लूरल गुहा, मैंने फुफ्फुस के चारों ओर, लंग्स के चारों ओर के आवरण को बताया था प्लूरल मेम्ब्रेन, वही लिख रही हूँ क्योंकि फेफड़े चौड़े हो जाते हैं मतलब फूल जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है, प्लूरल गुहा या वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है कि घटता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बढ़ता है कि घटता है, तो आयतन बढ़ेगा। एंड उसके बाद एक और चीज बताई थी मैंने आपको, डायफ्राम की स्थिति और पेशियां, अंतरापश्व पेशियां कहते हैं उनको, अंतरापश्व पेशियों की स्थिति क्या हुई थी, अंतरापश्व पेशियां, फेनिक्स पेशियां भी कहते हैं इनको, अंतरापश्व पेशियां सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, और डायफ्राम की स्थिति क्या थी, डायफ्राम की स्थिति क्या थी, सीधा व चपटा। डन। अब बात करते हैं इसकी, तो जो ये लिखा है इसका अपोजिट यहां है, अगर एक भी चीज याद रह जाए ना तो दूसरा तो उसका अपोजिट है। अगर आपको इसका याद रह जाता है ना कि इसमें निम्न दाब है, तो आपको याद रह जाएगा कि उसका उच्च है क्योंकि उसका उल्टा है। ये तो याद रह जाएगा, जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो हमारे अंदर कम है, तभी हम बाहर से ले रहे हैं तो उस टाइम हमारे अंदर लो प्रेशर है, तो ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, इसमें हाई प्रेशर रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट है ये सारी की सारी चीज़ है। डन। तो श्वास अंदर लेना, सेकेंड हमने लिखा इसमें फेफड़ों में निम्न दाब रहता है तो इसमें फेफड़ों में उच्च दाब, हाई प्रेशर, ठीक है, प्लूरल गुहा या वृक्ष गुहा का आयतन ज्यादा बढ़ेगा कि घटेगा या नॉर्मल शेप में रहेगा, तो घटता है या फिर वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, तो प्लूरल गुहा या वृक्ष गुहा का आयतन घटता है, एक बार तो घटेगा, इट मीन्स नॉर्मल शेप में आ जाता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है। चीज समझ में आ गई ना,
पहले से तो घटा ना, मतलब जो बड़ा वो तो वापस घटेगा, तभी तो नॉर्मल शेप में आएगा, बिना घटे थोड़ी आ जाएगा। अंतरापश्चक पेशियां यहाँ सिकुड़ी थी, यहाँ रिलैक्स हो गई थी, और रिलैक्स को ही शिथिलन बोलते हैं। तो अंतरापश्चक दोनों के ऑप्शन में आते हैं, घटेगा तो घटेगा करोगे, घटेगा बढ़ेगा पूछेगा तो घटेगा करोगे, अगर पूछेगा सामान्य स्थिति में आना तो सामान्य स्थिति करोगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आंसर करेंगे आप। अंतरापश्चक पेशियां फेनिक्स पेशियां, उसमें सिकुड़ी थी, इसमें शिथिल हो जाती हैं, इट मीन्स रिलैक्स हो जाती हैं, उसमें बेचारी खिंच रही थी, रिलैक्स हो जाती हैं या होती हैं। हो जाती हैं, समझ में आया? और नहीं याद रहे तो एग्जाम के टाइम श्वास लेके छोड़ के देख लेना, सारी सब समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा सारा का सारा। डायफ्राम, हाँ डायफ्राम की स्थिति क्या हुई थी, वहां तो सीधा चपटा हो गया था, यहाँ वापस गुमदाकार में आ गया था, गुमदाकार। ये हुई आपकी बात, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, बता चुकी हूँ, एक ही एक सेकेंड। इसका नहीं, उसका इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है और ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायफ्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम का भी ध्यान रखना। और नहीं पूछता, ये चीजें पूछता है, फेफड़ों में प्रेशर पूछता है और डायफ्राम की स्थिति पूछता है, वृक्ष गुहा का आयतन तो वैसे ही इजिली पता चल जाता है। तो फेफड़े और डायफ्राम स्पेशली, ये दो चीजें याद रखना है इसमें, डन। फेफड़ों में हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर, तो अंत श्वसन के टाइम लो प्रेशर होता है तो उसका उल्टा उसमें हाई हो जाएगा। एक भी चीज़ याद रह जाएगी तो दूसरी अपने आप याद रह जाएगी, उसमें कोई इतनी कोई वो बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक हमने अभी फर्स्ट बात की ब्रीथिंग की, कि ब्रीथ करते कैसे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में प्रोसेस क्या है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, डन। इसमें अभी हमने बात की थी, क्या दो में बांटा था इसको हमने, याद है ना, अभी अभी पढ़ा है, नहीं जल्दी मत भूल जाना। O2 का परिवहन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का परिवहन, चीज समझ में आ गई। अब ये पूरा का पूरा इसका पढ़ेंगे, तो बड़ा ध्यान से समझना, बहुत धीरज रख के, ठीक है। नई नई चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा रखना पड़ता है धीरज। हाँ, इधर देखिए, O2 का परिवहन की जब हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ इसको सभी जानते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है या क्या किस रूप में होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ तो ये है, और इसमें एक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ेंगे। O2 का परिवहन की मैं बात करूँ तो O2 के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्यों क्वेश्चन आता है, श्वसन वर्ण किसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं श्वसन वर्ण किसे कहा जाता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ साइंस के होंगे तो जानते होंगे। श्वसन वर्णक इट मींस हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक कहा जाता है हीमोग्लोबिन को, क्योंकि हीमोग्लोबिन कलर देता है इसलिए उसको वर्णक कहते हैं, और श्वसन में काम करता है इसलिए उसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, श्वसन वर्णक मतलब हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। सेकेंड चीज, ऑक्सीजन वाहक किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीजन वाहक भी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो RBC आप जानते हैं हमारे में रेड ब्लड सेल्स RBC पाई जाती हैं, जो रेड कलर देती हैं, उन RBCs में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगी उस टाइम मैं तीनों की तीनों क्वेश्चन कणिकाएं पढ़ाऊंगी, उसमें आता है, टू पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाणु, उसमें फिर RBC WBC और प्लेटलेट्स, फिर RBC के अंदर हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, तो वो हीमोग्लोबिन ही किसको क्या करती है, कलर देती है, रेड कलर जो देती है वो हीमोग्लोबिन देती है। वो क्या होता है, लोह तत्व बोलते हैं ना, एनीमिया,
तो हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है। वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम करता है। जैसे हमारी गाड़ी होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, एक्टिवा उठाई फटाफट से यहाँ से वहाँ हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उस गाड़ी का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन उसको वहाँ से लेकर जहाँ उसको जाना होता है वहाँ तक छोड़ के आता है और वापस उसको बाहर तक छोड़ के आता है। ठीक है, मतलब हमारी गाड़ी हो गई तो उसको वाहक बोलते हैं इसका। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन डन। किस तरीके से काम करता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब दोनों का नाम है उसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन आता है, एक हीमोग्लोबिन एक बार में कितने अणुओं को ले जा सकता है या ला सकता है, तो चार ऑक्सीजन के अणुओं को, चार ऑक्सीजन के अणु को। लेकिन मैं परमाणु कहूँ तो कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। कल भी ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, अणु और परमाणु। अगर मैं सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखती हूँ तो ये परमाणु है, लेकिन O2 लिखती हूँ तो ये अणु है। अगर मैंने 4O2 लिखा है तो ये चार अणु हैं। लेकिन अगर मैं अभी आपको कह दूँ इसमें परमाणु कितने हैं, तो चार इंटू दो मतलब आठ ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आंसर करेंगे, इसलिए मैं सारे आंसर्स बता देती हूँ। सारी की सारी चीज़ें अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, मतलब समझ लीजिए इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बैठेगा जो आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो मतलब समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। डन, इतना अच्छे से है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर और इम्पॉर्टेंट जो लगा है वो तो समझ लो कि वो तो याद करने ही करने हैं। दो तीन बार पढ़ लो अपने आप याद हो जाते, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई। अणु और परमाणु क्या है, दो परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिला दिया, ओ ओ, तो वो अणु बन गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब इधर देखिए, मैं लिख रही हूँ वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। 97 से 99% और 1-3% 97 से 99% की बात करूं तो वो किस रूप में होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ये मैंने लिखा हीमोग्लोबिन के द्वारा, लेकिन अब मैं लिखूंगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन उसका वाहक है, उसको ले जाने का काम कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड पेन चेंज कर देती हूँ, ऑक्सीजन वाहक। जैसे हमारी गाड़ी एक्टिवा, आप लोगों की बाइक, वैसे इसकी ऑक्सीजन वाहक क्या है, हीमोग्लोबिन। दूसरा इसका नाम क्या है, अभी बताया था, श्वसन वाहक। ये दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन वाहक या श्वसन वाहक होता है। किस रूप में लेके जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन और ये 4O2, अभी बताया था, ये हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन को HB के रूप में ही लिखा जाता है और ये हमारा ऑक्सीजन। कितने अणु हैं, चार अणु, चार अणु, और कितने परमाणु, आठ परमाणु। एक बार में हीमोग्लोबिन कितने अणु या परमाणु ले जाता है, तो चार अणु और आठ परमाणु, चार इंटू दो आठ परमाणु। ठीक है, हाँ, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो अगर क्वेश्चन आए कि O2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। डन, किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किस रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। 97 to 99% मतलब समझ लो पूरा का पूरा काम तो यही कर रहा है। फिर बात आती है,
बात आती है 1-3%, वो प्लाज्मा में घुलकर काम हो जाता है। समझ लो 1-3% तो काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा में। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना, ध्यान सिर्फ यह वाला रखना है, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान नहीं रखना। Hb4O2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ओ है, 40 मत कर देना इसको, ठीक है? चीज समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन वाहक कहते हैं, श्वसन वाहक कहते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन किस रूप में परिवहन करता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन के अणु ले जाता है? तो 4 अणु, और कितने परमाणु? तो 8 परमाणु कैरी कर सकता है। इट मीन्स 8 एटम्स कैरी कर सकता है, और 4 मॉलिक्यूल, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, परमाणु को एटम कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है? 1-3% प्लाज्मा में घुलकर होता है, जो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। ये चीज पूछता है, ये इंपॉर्टेंट लगा दिया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं CO2 के परिवहन की। CO2 के परिवहन के, इसमें भी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, लेकिन बहुत कम हीमोग्लोबिन के द्वारा, बहुत ही कम, कितना? 10-20% हीमोग्लोबिन के द्वारा। अच्छा, अब CO2 और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाती है? और 70-80% किसके रूप में? इंपॉर्टेंट यही है, सारा याद ही इसी को रखना है, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, के रूप में कह रही हूं मैं, यहां के द्वारा लिखा है, इसका भी आंसर बताऊंगी। और 5% समथिंग प्लाज्मा में घुलकर, ये याद नहीं रखना, सिर्फ नॉलेज के लिए लिखवा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ वही ध्यान रखना है, और आप इजीली छोड़ सकते हैं। हाँ, हीमोग्लोबिन के द्वारा जब CO2 और हीमोग्लोबिन मिलती है तो उसको कहते हैं कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। कैसा हीमोग्लोबिन? कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब मीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ये क्वेश्चन आता है के रूप में, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। अच्छा, इधर देखिए, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब CO2 और Hb मिलती है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलता है, तो वो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। उस कार्बमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ही CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किस रूप में होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सुनना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही समझ में आ गया, या कार्बमीनो हीमोग्लोबिन? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सुनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। विंटर्स में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जलाई हीटर और दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके सुबह तक पूरा का पूरा परिवार खत्म मिलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस टाइम CO गैस उस हीटर इनके द्वारा थ्रू निकलती है, और वो हमारे अंदर ब्रीथ करके अंदर जाती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो, जब CO ब्रीथ हम ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर लंग्स के जाती है, और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल रहा है, ये मैंने बताया ऑक्सीजन वाहक है, लेकिन ऑक्सीजन का वाहक होने के बाद भी 250 गुना, इट मींस 250, समझ रहे हो, 250 गुना क्षमता किसकी ज्यादा है? CO के साथ मिलने की ज्यादा है हीमोग्लोबिन की, इतनी ज्यादा पावर है कि इसके साथ बंधन की क्षमता इतनी ज्यादा, 250 गुना
ऑक्सीजन की कंपैरिजन में सीओ की 250 गुना क्षमता ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ बंधने की। तो अब ऑक्सीजन के साथ बंधेगा कि सीओ के साथ बंधेगा? जैसे ही सीओ हमारे अंदर एंटर हो जाती है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बनता, फिर किसके साथ बनता है? फिर सीओ के साथ बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाने का काम कर देता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं करता। इसलिए जब फिर वो क्या करती है, पूरे में ये बन गई, और ये जब हीमोग्लोबिन के साथ बंधती है तो इसको जब हीमोग्लोबिन कैरी करता है तो वो क्या बनाती है, तब बनाती है, अच्छा 250 गुना ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रबल क्षमता है इसके साथ इसकी जुड़ने की। हाँ, क्या बनाती है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। बात समझ में आई? क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। चीज समझ में, ये होता है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अब पूरी की पूरी, अब वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाती, सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, हम ब्रीथ नहीं कर पाते, तो हमारी डेथ हो जाती है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन में मैंने बताया लौह तत्व है, उसमें तो Fe2+ आयन, लेकिन जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो Fe3+ आयन के रूप में आ जाता है, जो ये जानलेवा होता है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, आयन वायन ध्यान नहीं रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्वेश्चन पूछ लेता है, सीओ के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये जानलेवा है। इसलिए ठंड में कभी भी हीटर जला के बंद मत करके मत सो जाना, अंगीठी जला के, बोलते हैं ना अंगीठी जला के सो जाते हैं, मत करना, ठीक है? चीज प्रोसेस समझ में आ गई क्या होता है और डेथ कैसे होती है। आगे बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है इसका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। हाँ, तो ये कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बिनो में। अब तो इतने अच्छे से समझा दिया। अब बाइकार्बोनेट्स कैसे बनते हैं? बाइकार्बोनेट्स, ये मैंने लिखा है बाइकार्बोनेट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है सारा का सारा, अभी इसका पढ़ेंगे। बाइकार्बोनेट्स के रूप में, तो ये बाइकार्बोनेट्स होते क्या और कैसे बनते हैं? मैंने कल आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? मुझे पता था कि ऑक्सीकरण की के बाद जो ऊर्जा का निर्माण हुआ, जो बनी ऊर्जा निष्कासित हुई है, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। उसकी एक रिएक्शन लिखवाई थी, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, मतलब 6O2 के साथ रिएक्शन करवाई थी, उसके बाद 6CO2, 6H2 एंड 38 ATPs बनी थी। अच्छा, श्वसन कैसी अभिक्रिया? जैव रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। और कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बात की थी। तो उसमें 6CO2 और 6H2 आया था। अब वो CO2 और H2O जब रिएक्शन करता है तो वो H2 और CO2, H2 मतलब वाटर, ये जब रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल, ठीक है? समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है आप इसको याद रखें, नहीं पूछता, लेकिन सिर्फ ये पूछता है वो वाला बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, उसको समझाने के लिए पूरी की पूरी प्रोसेस समझा रही हूँ मैं आपको, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। H2CO3, फिर अब इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? H+ आयन मैंने बाहर निकाल दिया तो HCO3- बन जाएगा। ये जो ये दिख रहा है, इसी को ही बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, और इसी के रूप में ही CO2 का परिवहन 70-80% होता है। चीज समझ में आ गई? और 3% किसके रूप में होता है? 5%, 3-5% किसके रूप में? तो प्लाज्मा में घुलकर, जो नहीं पूछता, बता चुकी हूँ क्या क्या पूछता है। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना, क्या? CO2 में आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो क्या कि CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? तो कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। दो चीज़ें CO2 में याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखनी, रिएक्शन भी याद नहीं रखनी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको रिएक्शन याद करवाई, मतलब लिखवाई। हाँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट CO2 में और जो पूछी जाती है, वो याद रखना और छोड़ देना। CO2 के परिवहन में हम बात करें तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन।
और अगर मैं बात करूं कि CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट आयन कौन सा है? SCO3- बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। इंपॉर्टेंट याद रखना, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे ऑक्सीजन का पूछता है ना हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप आता, इस वैसे इसमें बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कैसे बना वो याद रखने की नीड नहीं है। अच्छा, CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रह गया। ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, श्वसन वाहक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो अगर एटम पूछे तो एटम मतलब परमाणु, तो 8 परमाणु, अणु 4 अणु, 4O2, ठीक है। प्लाज्मा वाला याद नहीं रखना, सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसकी दो चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट करवाई है वो ध्यान रखनी है, उसके अलावा आप इजीली छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बस। यहाँ तक बात कर ली, ये चीज़ समझ में आ गई। लास्ट हमारा कोशिकीय श्वसन वाला बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ तक पूरा रिविजन कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।